सुपर लीग की साबिक चैंपियन कराची किंग्स के सितारे इवेंट के इब्तदा ही से गर्दिश में आ गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी, जो होम ग्राउंड पर इनकी मुसलसल दूसरी शिकस्त है। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 174 रन का हदव 6 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में हासिल किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से कॉलन मनरो 58 जबकि आजम खान 44 रन बनाकर नुमाया रहे। रेसिमेंडो डोरसन 31 और फहीम अशरफ 12 रन बनाकर आउट हुए। टॉम करन 10 रन बनाकर नॉट आउट पवेलियन लौट गए। कराची किंग्स की जानिब से मोहम्मद आमिर और मोहम्मद मूसा ने 2-2 जबकि कप्तान अमाद वसीम ने 1 विकेट हासिल की। इससे कबल इस्लामाबाद यूनाइटेड की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए कराची किंग्स ने मुकर्रा 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बनाए थे। कराची किंग्स की जानिब से हैदर अली 59 रन बनाकर नुमाया रहे। शर्जील खान 34, इरफान खान नियाजी 19, शुएब मलिक 18, मैथ्यू वेड 18, जेम्स मंस 4 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान अमाद वसीम कोई रन स्कोर ना कर सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से मोहम्मद वसीम जूनियर, टॉम करन और रोमान रईस ने 2-2 जबकि फहीम अशरफ ने 1 विकेट हासिल की। कॉलन मनरो मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।